हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम माइलेज टेस्ट करेंगे अपनी अपाचे RTR 164V का, और ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालने की कोशिश करेंगे। और अभी तक इसकी पहली सर्विस भी नहीं हुई है, यानी कि फर्स्ट सर्विस से पहले इसका माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो इसका भी माइलेज टेस्ट करना था, बिकॉज़ न्यू बाइक है तो पता चलना चाहिए कि क्या माइलेज दे रही है, तो आइडिया हो जाएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालने की कोशिश करेंगे, और स्पीड अपनी वही रहेगी 50 to 60 के बीच, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस से पहले ज़्यादा हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। बाकी इकोनॉमिक स्पीड है ये 50 to 60। रिज़ल्ट का भी इंतज़ार रहेगा। बाकी माइलेज हम टेस्ट करेंगे 200 ml पेट्रोल से। ये 100 ml की है छोटी सी बोतल, तो ये वाली 2 बोतल डाल लेंगे तो 200 ml पेट्रोल हो जाएगा बाइक में। ट्रिप मीटर 0 हो चुका है, देख सकते हो आप। फ्यूल गेज वाली लाइट भी ऑन है। पेट्रोल सारा का सारा निकाल चुका हूँ इसमें से मैं, और देख सकते हो आप स्टार्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो अभी हम इसमें डालते हैं 200 ml पेट्रोल। देख सकते हो ट्रिप मीटर 0 है। स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो बाइक फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। 200 ml पेट्रोल डाल चुके हैं बाइक में, और ट्रिप मीटर है 0। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं अपनी अपाचे, न्यू अपाचे RTR 164V क्या माइलेज देती है। आज रिजल्ट पता चलेगा। 2022 मॉडल है। तो एक बार झटका लिया जैसा कि आपने देखा। तो मिसिंग मार रही है, आप देख सकते हो। बाकी चलेगी, अभी देखते हैं कितना चलती है।
अभी 300 मीटर चल चुकी है, 0.3 किलोमीटर दिखा रहा है मीटर में। बाकी पेट्रोल है अपने पास, जहाँ पूरी बंद हो जाएगी तो डाल लेंगे, बट रिजल्ट आज देखते हैं। तो ये है अपनी कॉलोनी से बाहर का व्यू। अभी चलेंगे हम लेफ्ट साइड, और ये सामने नहर, कई बार मिसिंग मारती है बट अभी देखो चल रही है कंटिन्यू। और नेट 1 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, स्पीड आप देख सकते हो 48-49 स्पीड, भी रोड के अकॉर्डिंग भी देखना होता है तो ठीक है। अभी तो कह सकते हो लोकल माइलेज टेस्ट हो रहा है, हाईवे वाला टेस्ट नहीं है कि हाईवे पे निकल गए। और तो अभी स्ट्रेच करते हैं, 50+ सिंगल रोड है तो ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं कर सकते, 55 61, 63। और नेट 2 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं अपने बाइक के, ट्रिप मीटर 2 किलोमीटर से ऊपर जा चुका है। कभी भी बाइक में पेट्रोल कम होता है या ख़त्म होने वाला है तो उससे पहले मिसिंग ज़रूर मारती है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपने भी काफ़ी बार नोटिस किया होगा। क्या कर रहा है ये, नेट 3 किलोमीटर चल चुकी है, 69 तक चलेगी। तो 4 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी यू टर्न ले लेते हैं वापसी। देखो काफी मिसिंग मार रही है, काफी झटके दे रही है, तो अब खत्म होने वाला आई थिंक। बाइक को भी थोड़ा सेफ साइड रखना पड़ेगा, एकदम बीचों बीच बंद ना हो जाए। कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली, अपनी बाइक ने झटके ले रही है काफी ज्यादा। ये देखो अब तो लास्ट इसका मूवमेंट आ चुका है, 7.2 किलोमीटर ट्रिप मीटर, 7.2। तो है तो
कंपनी भी क्लेम कर देगी भाई 45 का माइलेज दे देगी अगर आप ठीक से मेंटेन करके रखते हो स्पीड वगैरह। नाइन किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, अब लगता नहीं इससे ज़्यादा चलेगी क्योंकि कंटिन्यूस मिसिंग मार रही है। बाकी देखो आपके सामने ही है, कुछ नहीं कर रहा मैं, ऑटोमेटिक चले जा रही है चले जा रही है। बट अब फाइनली जो पेट्रोल है वो फिनिश हो गया है, ये बिल्कुल खत्म हो गया होने वाला है पेट्रोल। देख सकते आप फुल मिसिंग है, थ्रोटल एक जगह लॉक कर रखा है मैंने, अब ये बंद हो चुकी है बिल्कुल। देखो थ्रोटल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो फाइनल रिजल्ट आई थिंक आ चुका है। तो देख सकते हैं आप ट्रिप मीटर जो मैंने सेट किया था जीरो पे, वो टोटल 9.5 किलोमीटर रन हो चुका है। तो फाइनली अपने पास आपका रिजल्ट आ चुका है, 9.5 किलोमीटर 200 ml में चल चुकी है, 200 ml में 9.5 किलोमीटर। एक बार स्टार्ट करके देख लेते क्या पता थोड़ा बहुत। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो अपाचे RTR 164V का रिजल्ट आपके सामने है 9.5 किलोमीटर इन 200 ml में, यानी कि 200 ml पेट्रोल में 9.5 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसको हम इनटू करते हैं 5 से, तो 1 लीटर का जो हमारा रिजल्ट है वो निकल के आता है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और साथ ही साथ रिजल्ट भी। तो अपाचे लेना काफ़ी वर्थ है माइलेज के अकॉर्डिंग, और 160 सीसी बाइक 45 का माइलेज दे रही है, और क्या चाहिए। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।